कोरोना वायरस संक्रमण से बचें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी ही बचाव है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, प्रदेश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करें। कोरोना वायरस होने के लक्षण: तेज बुखार, खांसी, सांस की कमी, सिर में दर्द। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के उपाय: मास्क का प्रयोग करें, खांसी होने पर मुंह ढक लें, साबुन से हाथ धोएं व नियमित रूप से सैनिटाइजर का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जानवरों से दूर रहें, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें। किसी भी प्रकार के लक्षण आने व इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु नजदीकी चिकित्सालय से मदद लें। कोरोना राजस्थान हेल्पलाइन 0141-222-5624। राइट स्टेप ग्रुप द्वारा जनहित में जारी। और आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक न्यूज। बीकानेर अब तक न्यूज के इस अंक में आप देखेंगे कोरोना का कहर बीकानेर जिले में जारी। नोखा में 4 पॉजिटिव के साथ में बीकानेर में हुए एक बार फिर से 7 पॉजिटिव और अब आंकड़ा पहुंचा है 103 पर। वहीं बीकानेर में यातायात पुलिस विभाग के द्वारा मास्क और हेलमेट की अनिवार्यता की जा रही है जाँच। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से बीजेपी के जिला अध्यक्ष सहित मिला एक शिष्टमंडल और बिजली के बिल माफ करने की रखी मांग। वहीं अनेक संस्थानों ने ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को दिए ज्ञापन, सर्किट हाउस में की मुलाकात। इसके अलावा देखेंगे कि कैसे ऊर्जा मंत्री ने आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर के इम्यूनिटी बढ़ाने का दिया संदेश। और भी बहुत कुछ होगा इस अंक में। डालते हैं एक नजर आज की खास खास सुर्खियों पर। बीकानेर जिले में 7 पॉजिटिव मरीज मिलने से कोरोना का कहर जारी। मेडिकल छात्रों ने इंटर्नशिप के स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर के बीजेपी जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह सहित बीजेपी के नेता मिले ऊर्जा मंत्री कल्ला से। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला अब तक न्यूज के फेसबुक चैनल पर रहे लाइव। और खादी के वस्त्र से बना हुआ मास्क खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान के पदाधिकारी ने जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम को किया भेज। लॉकडाउन के बाद में केंद्र सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे, कहना है पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर। खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं, कोरोना का कहर पूरे देश में जारी है। राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी है। वहीं बीकानेर भी अछूता नहीं है। राजस्थान के सभी जिलों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। बीकानेर में भी 7 मरीज आज फिर से पॉजिटिव मिले, जिनमें 3 बीकानेर शहर मुकिम गोथरा मोहल्ले के, वहीं 4 नोखा से पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि कल जब सेवकों के चौक से एक मरीज आया था, वहां पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सघन जांच की गई। मदन मोहन मौता भवन में जो है वह यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई। उस मरीज के संपर्क में जिन जिन लोगों का आना संदिग्ध रहा है या जो संभावित रहे हैं, उन तमाम लोगों की जांच आज मोहतो के चौक में स्थित मदन मोहन भवन में की गई। हम आपको दिखाते हैं एक नजारा मदन मोहन भवन का, जहाँ पर जनसंख्या की घनत्व के अनुपात में आज जाँच की गई। दिखाते हैं आपको यहाँ की कुछ जल्द। मदन मोहन भवन में स्वास्थ्य की जांच करने के लिए पहुंचे सीएमएचओ डॉक्टर मीना से हमने की बातचीत। एरिया पर जो चला है वो बात सही है, लेकिन चुनौती तो चिकित्सा विभाग के सबसे स्टार्टिंग से चुनौती होती आ रही है और हम चुनौती का मुकाबला भी कर रहे हैं। अब नया ये निकला सेवकों का चौक, इसके अंदर जो ये सेवक था दीनदयाल, वो अमित सोनी का दोस्त था।
ये यहाँ पे कचौरी की दुकान करता था, वो यहाँ की कचौरी कचौरी खाता था, उधर बैठता था, तो ये पॉजिटिव निकल गया। आज हम इसी के मोहल्ले के अंदर सारे यहाँ पे कैंप लगा के यहाँ की सैंपलिंग कर रहे हैं, जो भी पॉजिटिव होगा उसका रिपोर्ट आपके पास सामने। कंजेस्टेड एरिया काफ़ी, ये कंजेस्टेड एरिया है काफ़ी, हम भी जानते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलने का हमारे को ज़्यादा डर लग रहा है कि बहुत ही सटके हुए मकान बने हुए हैं, बिल्डिंग ज़्यादा है, मार्केट टाइप है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम सारा आउट डोर टू डोर सर्वे करेंगे सारी चुनौतियों के सामने। मेडिकल छात्रों के स्टाइफन की समस्या कई समय से चल रही है और इंटर्नशिप कर रहे जो छात्र हैं और मेडिकल स्टूडेंट जिनों को ये लगता है कि उनका स्टाइफन काफी कम है, उसी की मांग को लेकर के आज उन्होंने प्रदर्शन की दिखाते इस प्रदर्शन की संभावित तंज। जय लोक सरकार, राजस्थान सरकार, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, राजस्थान सरकार। बातचीत की इंटर्नशिप कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स अभी मेडिकल कॉलेजों में प्रदर्शन के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के इंटर्न डॉक्टर अभी कोरोना आइसोलेशन सेंटर, कोरोना ओपीडी, स्क्रीनिंग में विभिन्न चेक पोस्ट हाईवे पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि उनको 233 रुपए पर डे दिया जा रहा है, जो कि एक न्यूनतम मजदूरी से भी काफी कम है। तो हम राजस्थान सरकार से आग्रह करते हैं कि आप इंटर्न स्टाइपेंड बढ़ाने का निर्णय बहुत जल्दी से जल्दी ले। हमने कोरोना काल में बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में आज डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य, मुनसुरा सहित कई बीजेपी के नेता मिले। सर्किट हाउस में आज डॉक्टर कल्ला से उन्होंने मुलाकात कर बिजली के बिल माफ करने की मांग की। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने मुरलीधर व्यास नगर में आयुर्वेदिक काढ़ा लोगों को पिलाया। उन्होंने इस बात का भी संदेश दिया कि आयुर्वेदिक काढ़ा जो है वह हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। उन्होंने फेसबुक के लाइव पेज पर अब तक न्यूज के तमाम दर्शकों से भी रूबरू हुए। पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से डॉक्टर बी डी कल्ला ने मुरलीधर व्यास नगर में आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे, अमृत मंथन। गैस और भारीपन में लाभकारी, अस्थमा और सांस की बीमारी दूर करे, अमृत मंथन। जोड़ों का दर्द और गठिया से दिलाए राहत, घटाए वजन, अमृत मंथन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोर्ट गेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। SDP Memorial School, Co-Educational English Medium School. Excellent infrastructure, air-conditioned classrooms, smart classrooms, covered swimming pool. Well-equipped science lab, attractive and enhanced language and computer labs. Dance and music room, library, auditorium with a great accommodation. Systematic and holistic teaching approach, incorporation brain exercise and small group approach. Committed and dedicated faculty for excellent academic achievement. Effective student-teacher ratio 25:1. Stress-free, pious and independent learning atmosphere. Emphasis on playway methods for preschool, LKG, UKG and grade 1. Admission open for nursery to 12th. SDP Memorial School, Sri Dwarkapuri, inside Jasusar Gate, Bikaner. New Campus, Sector 3, Muralidhar Vyas Nagar, Bikaner. Mobile 9983995831, 9983322831, 9875273831, 9610447606. Khama Ghani Hukam. अरे आइए आइए, घनी खम्मा। घनी खम्मा क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने सुना है आपके बीकानेर में भुजिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रेम जी अग्रवाल के भुजिया है ना हमारे बीकानेर के। तो हमें नहीं खिलाओगे प्रेम जी अग्रवाल के भुजिये? क्यों नहीं हुकम, ये लीजिए। वाकई असली बीकानेरी भुजिया है। दिल की बात वही जाने जो स्वाद
असली पहचानी। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार, इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर। देखिए बात, एक बार फिर आपका स्वागत सर के नाउस में। आज फेसबुक लाइव पेज पर अब तक न्यूज के तमाम दर्शकों से डॉक्टर कल्ला रूबरू हुए, जिनमें उन्होंने खासतौर से राज्य सरकार के द्वारा कोरोना जो संक्रमित मरीज हैं उनको लेकर के जो सुविधाएं दी जा रही है, जो व्यवस्थाएं की जा रही है, उसका जिक्र किया। उन्होंने बीकानेर पीबीएम अस्पताल में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के रख रखाव और उनके इलाज को लेकर के और पूरी एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए। अपने इस लाइव पेज के दौरान बहुत सारे मुद्दों को दर्शकों के सामने रखा। आइए दिखाते हैं आपकी कैसे रहा आज अब तक न्यूज के फेसबुक पेज पर लाइव डॉक्टर कल्ला की बात। कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जो आदमी से आदमी में फैलती है। अब प्रदेश के लोग इस बात को समझने लगे हैं कि किस तरीके से हमको रहना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, सावधानी से एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए और जो भी कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करते हुए हमको इस कोविड के साथ साथ अपने उत्पादन के कार्यों को चालू रखना है। पिछले दिनों में देखा गया कि लगातार लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते हुए बहुत से लोग, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी को इस बात के लिए एक तरह से उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आगे आकर माइग्रेंट लेबर का ध्यान रखा। जहाँ जहाँ माइग्रेंट लेबर जाना चाहती थी, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उनके जाने का इंतजाम किया। सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु दर 2.31 के बराबर है, तो ये बहुत नगण्य है। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश के लोगों को जो कोरोना पीड़ित है उससे सहानुभूति रखनी चाहिए, उससे फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, मास्क लगाकर। और जो डॉक्टर भी हैं वो पीपीई किट्स के माध्यम से उनके पास पहुंच सकते हैं, तो उनको कोई संक्रमण नहीं होगा। लेकिन सावधानी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप सावधानी रखें। जैसा एक तो मैंने बताया ना, खाने की और पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में जो शिकायतें आती हैं उसको दूर करने का हमने प्रयास किया है। और इसके बाद जो उनके बीच में जैसे जहाँ बीमार हैं वहाँ तो डॉक्टरों के अलावा कोई जा नहीं सकता, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर जो बने हुए हैं उसमें जल्दी से जल्दी उनका टेस्ट करके उनकी रिपोर्ट के आधार पर उनको होम आइसोलेशन के लिए भेजा जा सकता है। जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मॉल और पूजा के स्थल, यहाँ पर एक साथ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे जैसे बाज़ारों को खोला है, धीरे धीरे जैसे अन्य चीज़ों को खोला है, तो वहाँ पर भी धार्मिक स्थलों पे पूजा पाठ बराबर हो रहे हैं, लेकिन लोगों का आना जाना जो है इसको भी धीरे धीरे एक व्यवस्थित रूप में शुरू किया जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। यादव पुलिस विभाग के द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है और मास्क की भी जांच की जा रही है। घर से निकले तो आप इस बात का एहतियात जरूर रखें कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आप जो है वो खासतौर से हेलमेट और मास्क दोनों पहन करके निकले। बीकानेर के कर्मेश्वर रोड पर अवैध शराब के ठेके के विरोध में लोगों ने नया शहर थाने में जाकर के उसकी शिकायत की और ऐसे ठेके को उन्होंने हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यहां पर आधा किलोमीटर की दूरी में अनेक शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें कन्या महाविद्यालय भी है और यहां पर विद्यालय भी संचालित हो रहे हैं, जिसे लेकर के उन्होंने कहा कि बड़ा बुरा असर पड़ रहा है और इसे तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। दिखाते हैं हम आपको कि कैसे यहां पर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। हमने बातचीत की स्थानीय लोगों से। बीकानेर शहर छोटी काशी के नाम से विख्यात है और इस शहर में काशी विश्वनाथ रोड के ऊपर एक अवैध रूप से शराब का ठेका खुला है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में बिन्नानी कन्या विद्यालय है, जहां हमारी हज़ारों बहनें पढ़ती हैं, छोटी बच्चियां पढ़ती हैं। बगल में नालंदा स्कूल है, राजस्थान बाल मंदिर स्कूल है, उसके पास में काशी विश्वनाथ मंदिर है और ये मुंदरों की बगीची है। तो ये मेन शहर है, यहाँ पर हमारी माएँ बहनें सुबह सुबह दर्शन करने जाती है, हमारी बहनें पढ़ने आती है, हमारे छोटे भाई पढ़ते हैं। तो वहाँ पर जो शराब का ठेका खुला है ये बहुत अवैध है।
तो हम लोग सभी यही चाहते हैं इस रोड के ऊपर से इस शराब के ठेके को किसी भी तरह से हटाया जाए, क्योंकि हमारे छोटे भाई, हमारी छोटी बहनें, किसी को तकलीफ नहीं हो। तो हमारा प्रशासन नया शहर हम लोग थाना को यही बोले हैं कि किसी भी सूरत में इस शराब प्रतिष्ठान के पदाधिकारी जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम से मिले और उन्होंने खादी के वस्त्र से बना हुआ मास्क जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम को भेंट किया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का संदेश दिया कि इससे खादी जो है वह शुद्ध कपड़ा है और इससे बने जो मास्क है वो और ज्यादा प्रभावकारी हो सकते हैं। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलकी। निर्जला एकादशी जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, लॉकडाउन के चलते हालांकि दुकानें खुली है, अब मीठी ओले और सेवैयां जो है वो बिकने लगी है, लेकिन ग्राहकों का टोटा है, ग्राहक जो है वह इन दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोरोना के इस काल में पर्व त्योहार सभी जो है वह कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं, जिससे दुकानदार काफी मायूस है। हमने बातचीत की दुकानदारों से। मार्केट में लगभग कंफ्यूज सा माहौल है और इस माहौल के अंदर गिरावट ना के बराबर है। मंदिर भी बंद है अभी, तो उसका भी बड़ा विशेष फर्क पड़ रहा है। बाजार बिल्कुल डाउन है, एकदम डाउन है बिल्कुल। किसी तरह की कोई भी चीज में तेजी वाली बात नहीं है। लॉकडाउन के बाद में क्या स्पष्ट नीति होगी या केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी ने अपनी बातचीत के दौरान ये बात कही। आज स्पीकअप एक पेज के जरिए भी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से अपनी बात रखने के लिए लोगों को उत्साहित किया और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि इस कोरोना काल में वे क्या चाहते हैं। दो बात जो है वो खासतौर से केंद्र सरकार तक पहुंचाने की बात थी। पूर्व प्रतिपक्ष नेता ने यह साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन के बाद में केंद्र सरकार स्पष्ट नीति बनाए कि किस तरह से यह देश आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से हमारा देश बहुत कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है, कोविड 19 का जिस तरीके से पूरी महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए मैं केंद्र सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा कोई दुखी है तो हमारा मजदूर और गरीब दुखी है। जिस तरीके से लॉकडाउन फर्स्ट जो लॉकडाउन किया था, उस लॉकडाउन से पहले यदि प्रधानमंत्री जी 3 या 4 दिन का टाइम दे देते तो और ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि लेबर जो है अपने आप अपने घर चली जाती, लोगों में इतनी अशांति नहीं फैलती। आज जिस तरीके से हालात पैदा हो गए, गरीब जो है भूख से मर रहा है, मजदूर जो है सड़कों पे पैदल चल रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ हालात इतनी ज़्यादा खराब हो गई देश के अंदर। इसलिए हम सब ये निवेदन करना चाहते हैं प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से, भूख से मर रहा है उस गरीब की तरफ देखते हुए हर गरीब के उस जरूरतमंद के खाते में प्रधानमंत्री जी को 10,000 रुपये भेजने चाहिए, जिसे वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है गुजर बसर कर सके। और दूसरी बात कि आज राजस्थान पूरे देश के अंदर नरेगा के अंदर अव्वल जो है हमारा स्टेट है। आज की तारीख में हम नरेगा की बात करें, क्योंकि नरेगा हमारी UPA सरकार की चलाई हुई है, कांग्रेस सरकार की चलाई हुई है। हमारा एक सोच था कि गांव में बैठे हुए जो गरीब मजदूर के हाथ को, उसी ढाणी में जो बैठा है उसके पास में उसके हाथ को काम दिया जाए, और हमने वो कर दिखाया। उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने इसका कड़े शब्दों में विरोध किया था, लेकिन आज इसकी पूरे देश को ज़रूरत है और आज इस नरेगा की वजह से उस गरीब के हाथ को काम मिल रहा है। राजस्थान के अंदर आज की तारीख में करीब 41 लाख से ज़्यादा मजदूर भाइयों को उस गांव के अंदर, उस अपने घर के घर में बैठे हुए को उसके हाथ को हमने काम देने का काम किया है। मेडिकल छात्रों ने इंटर्नशिप के स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर के किया प्रदर्शन। बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर के बीजेपी जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह सहित बीजेपी के नेता मिले ऊर्जा मंत्री कल्ला से। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला अब तक न्यूज के फेसबुक चैनल पर रहे लाइव। खादी के वस्त्र से बना हुआ मास्क
खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान के पदाधिकारी ने जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम को किया भी। लॉकडाउन के बाद में केंद्र सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे, कहना है पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर को। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस मैसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।